हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। हम जीव विज्ञान की इकाई 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य और रोग का अध्ययन कर रहे हैं। इस इकाई से कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। हम जानेंगे सामान्य परिचय, फिर हम देखेंगे मानव में सामान्य रोग, पुनरावृत्ति और अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखें, हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जनरली हम पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। लोगों का आयुकाल बढ़ता है, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति केवल किसी रोग से ग्रस्त नहीं हो, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति वह है जो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई ना दे, बल्कि साथ ही साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो और उसका समाज के साथ संबंध और सामाजिक व्यवहार भी अच्छा हो। मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को ही हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है। अच्छा स्वास्थ्य हमें प्रसन्न और शांतिप्रिय बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही योगाभ्यास भी हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। रोग या बीमारियों के कारण, बीमारियाँ हमेशा किसी न किसी कारण से होती हैं। यह कारण कोई पदार्थ, जीव या निर्जीव या फिर कोई कारक हो सकता है, परंतु अधिकांश बीमारियाँ जीवित कारकों के कारण ही होती हैं। आइए हम बीमारियों के कुछ प्रमुख कारण देखते हैं। पहला, जैविक कारक या रोगाणु। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह कई रोगों को पैदा करते हैं। रोग पैदा करने वाले इन जीवों को रोगजनक या रोगाणु या पैथोजेंस कहते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियों को संक्रामक बीमारियां कहते हैं। जबकि रोगाणु का हमारे शरीर में प्रवेश संक्रमण कहलाता है। अधिकांश बीमारियां संक्रामक होती हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणुओं के द्वारा संचरित होती हैं। दूसरा कारण है रासायनिक कारक। हमारे शरीर के कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल
और कुछ बाह्य पदार्थ या रासायनिक प्रदूषक जैसे पारा, ओजोन, लेड, कैडमियम आदि के कारण भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। अगला है भौतिक कारक जैसे ताप, आर्द्रता, दबाव, ध्वनि, नमी, विद्युत आदि के अनियमित प्रभाव से भी रोग उत्पन्न होते हैं। यांत्रिक कारक चोट या दुर्घटना आदि के कारण भी हम बीमार हो सकते हैं। पोषक तत्व की कमी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल ये मुख्य पोषक तत्व हैं और आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी बीमार कर सकती है हमें। पदार्थों की अधिकता से भी हम बीमार हो सकते हैं जैसे कि हार्मोन और पोषक पदार्थों की अधिकता से भी रोग होते हैं। अब हम देखेंगे बीमारियों के प्रकार। बीमारियों को उनकी प्रकृति और कारणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ए जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग और बी उपार्जित रोग। तो हम देखें जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग क्या हैं। वे रोग जो जीवों में जन्म से होते हैं, यह रोग विकासीय या उपापचयी अनियमितता के कारण पैदा होते हैं जैसे हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, हसियाकार अरक्तता, फेनिल कीटोन्यूरिया आदि। और दूसरा है उपार्जित रोग, वे रोग जो जीवों में जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण पैदा होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोगों को पुनः दो भागों में बांटा है। पहला संक्रामक रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते या संचरित होते हैं। दूसरा असंक्रामक रोग, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। इन रोगों के कारक जीव नहीं होते बल्कि यह जीवों के अलावा दूसरे किसी कारण से होते हैं। आइए हम मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में जानते हैं। अनेक जीव जिसमें जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि शामिल हैं, ये मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, परीक्षा में कई बार एक नंबर का प्रश्न रोगजनक या पैथोजेंस क्या है यह पूछा जाता है। तो रोग पैदा करने वाले कारकों को ही रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं क्योंकि वह होस्ट या परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। साल्मोनेला टाइफी, यह एक रोगजनक जीवाणु है। इससे मानव में टाइफाइड या मोतीझरा रोग होता है। यह रोग आमतौर से संदूषित या कंटेमिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और वहाँ से शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। टाइफाइड रोग में सामान्यतः लगातार उच्च ज्वर रहता है, कमजोरी, अमाशय में पीड़ा अर्थात पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि बिडाल परीक्षण से हो सकती है। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि टाइफाइड ज्वर का पता किस परीक्षण से लगाते हैं,
तो आंसर है बिडाल परीक्षण से। जीवाणु से होने वाला एक अन्य रोग है निमोनिया। स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी जैसे जीवाणु मनुष्य में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। रोग के सामान्य लक्षण, इस रोग में फुफ्फुस या लंग्स के वायुकोष्ठ या एल्वियोली में संक्रमण हो जाता है और संक्रमण के फलस्वरूप तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा होती है। अन्य लक्षण उच्च ज्वर, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि दिखाई देते हैं। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदुकों या ड्रॉपलेट्स को सांस द्वारा अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास, बर्तन, कपड़ों आदि के इस्तेमाल से होता है। अतः इन रोग के बचाव के लिए दूसरे व्यक्ति या रोगी के बर्तन या कपड़ों आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं विषाणु या वायरस से होने वाले रोग। बहुत से विषाणु भी मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु का एक ऐसा ही समूह राइनो वायरस का है जो सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुखाम फैलाता है। वर्तमान समय में फैला संक्रामक रोग COVID-19 या कोरोना का संक्रमण भी विषाणु या वायरस जनित ही रोग है और इनका संक्रमण बहुत घातक होता है और ये बहुत ज़्यादा संक्रामक हैं, इसलिए हमें कुछ सावधानियाँ रखना चाहिए। जैसे मास्क का प्रयोग करना चाहिए, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए या हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। कुछ और विषाणुओं से होने वाली बीमारियाँ जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी विषाणु जनित रोग हैं। डेंगू, यह बीमारी मादा टाइगर मच्छर के काटने से फैलती है। एक बार संक्रमित हो जाने पर मच्छर संक्रमित बना रहता है। डेंगू 2 प्रकार का होता है, पहला क्लासिकल डेंगू बुखार और दूसरा डेंगू रक्तस्राव बुखार। क्लासिकल डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह बहुत खतरनाक होता है। कुछ ही घंटों में उच्च बुखार, गंभीर सिर दर्द, पीठ दर्द, संधि पीड़ा, पेशीय दर्द आदि उत्पन्न होते हैं। डेंगू रक्तस्राव बुखार यह भी एक घातक बुखार है। इसमें 101 से 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है। सिर दर्द, बमन, उदर दर्द, सर्दी, जुखाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू एक घातक रोग है, समय पर इलाज ना होने पर मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के उपचार के लिए पैरासिटामोल दवा के साथ रुधिर प्लेटलेट्स को चढ़ाने से आराम मिलता है। चिकनगुनिया यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग अल्फा विषाणु के संक्रमण से होता है। इस रोग की उत्पत्ति अफ्रीका के बंधु या मोकांडो भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है झुक जाना। यह संधि सोथ लक्षणों के कारण विकसित होता है। इस रोग से बचने के लिए फुल पैंट, मोजे आदि पहनना चाहिए। दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए और मच्छर भगाने वाली विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
अब हम आगे देखते हैं, मानव में कुछ प्रोटोजोआ से भी रोग होते हैं, जैसे मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत छोटे से प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियाँ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र दो होस्ट मानव और मच्छर के अंदर पूरा होता है। अमीबियसिस या अमीबिक पेचिस मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक परजीवी है और इससे अमीबिता, अमीबियसिस या अमीबी अतिसार, जिसे हम डायरिया या पेचिस भी कहते हैं, यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के सामान्य लक्षण हैं पेट में दर्द, ऐंठन, अत्यंत श्लेष्म तथा रक्त के थक्के वाला मल, अर्थात मल के साथ लसलसा पदार्थ या श्लेष्म या रक्त का स्राव होता है। वाहक, इस रोग की वाहक घरेलू मक्खियां हैं। घरेलू मक्खियां परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से भोज्य पदार्थों तक ले जाकर उसे संदूषित या कंटेमिनेटेड कर देती हैं। अब हम आगे देखें हेलमेंथीस से होने वाले रोग। हेलमेंथीस भी रोग उत्पन्न करते हैं, सामान्यतः गोल क्रमी एस्केरिस और फाइलेरिया क्रमी बुचेरेरिया कुछ ऐसे क्रमी हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक हैं, अर्थात मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। एस्केरिस से एस्केरिस्ता रोग होता है। एस्केरिस्ता या एस्केरियेसिस रोग के सामान्य लक्षण, इस रोग में आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा अर्थात पेशियों में दर्द, ज्वर या बुखार और अरक्तता के लक्षण देखे जा सकते हैं। एस्केरिस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल और पौधों आदि को संदूषित या कंटेमिनेटेड करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, साग सब्जियों, फलों आदि के सेवन से होता है। एक और रोग है हाथी पाव या हस्तीपाद। इस रोग में व्यक्ति के पैर में सूजन आ जाती है और वह हाथी के पाँव की तरह मोटा हो जाता है। इसे हम फाइलेरिया या फाइलेरियेसिस भी कहते हैं। बुचेरेरिया वेनक्राफ्टी और बुचेरेरिया मेलाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिसके कारण अंगों में प्रायः अर्धपाद की लसिका वाहिकाओं में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है, अर्थात लसिका वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। यह कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। हाथी पांव बीमारी में प्रारंभिक लक्षण के रूप में हल्का बुखार और बदन दर्द रहता है। यकृत, प्लीहा इत्यादि सूजकर रसौली या गांठ बना देते हैं। इसकी विकसित अवस्था में पैर बहुत अधिक मोटे हो जाते हैं। इस कारण इस बीमारी को हाथी पाँव या हस्तीपाद कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस बीमारी में पाँव सूजकर अत्यधिक मोटे हो जाते हैं। हाथी पाँव या फाइलेरिया
या इसे फाइलेरियेसिस भी कहते हैं, इस बीमारी के रोगाणु क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलते हैं। अतः मच्छरों से बचाव के समुचित उपाय किया जाना चाहिए और मच्छरों को पैदा होने से ही रोकना चाहिए। हमने अनेक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक आदि से होने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में जाना, तो आइए अब हम जानते हैं इन संक्रामक रोगों का नियंत्रण कैसे करें। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत और जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता में हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी, खाना, साग सब्जियों, फल आदि का सेवन करना चाहिए। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मल मूत्र उत्सर्ग आदि का समुचित निपटान किया जाना चाहिए। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। जलाशयों, कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई और जन खान पान प्रबंधन में स्वच्छता के मानक का पालन करना शामिल है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। वायुवाहित रोगों के मामले में संक्रमण व्यक्तियों के द्वारा या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से होता है। अतः संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क से बचना चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना मानसिक, सामाजिक और भौतिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा का संक्रमण, मलेरिया आदि रोग मानव के लिए कष्ट के प्रमुख कारण हैं। रोग वाहक द्वारा होने वाले ये रोग इन्हीं के अंतर्गत फैल्सीफेरम मलेरिया आदि का उपचार नहीं किया जाए तो ये प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपशिष्ट का समुचित निपटान, पीने के पानी को प्रदूषण रहित बनाना, मच्छर जैसे रोग वाहकों का नियंत्रण और प्रतिरक्षीकरण इन रोगों की रोकथाम में बहुत सहायक है। क्योंकि अगर हम केवल व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे और अगर हम प्रदूषित पानी या प्रदूषित भोजन का उपयोग करेंगे तो भी हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। जब हमें रोग कारक एजेंटों का खतरा होता है तो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र इन रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रतिरक्षी तंत्र के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आइए अब हम कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। एक नंबर के प्रश्न में सही विकल्प चुनिए प्रश्न आता है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं जिनमें से एक सही उत्तर है। पहला प्रश्न है, एलर्जी का एक रूप है दमा, पीली आँखें, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है, एलर्जी का एक रूप है दमा। दूसरा प्रश्न है, टीकों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ए, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी, एडवर्ड जेनर, सी, लुई पाश्चर, डी, रोनाल्ड रॉस। उत्तर है, टीकों की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। तीसरा प्रश्न है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि होती है एलिसा परीक्षण द्वारा, एड्स परीक्षण द्वारा, विडाल परीक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी। उत्तर है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। हाथी पांव रोग
किसके संक्रमण से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, फाइलेरियाई कृमि। हाथी पांव रोग फाइलेरियाई कृमि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया, हैजा, प्लेग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। संक्रामक, असंक्रामक, जन्मजात, लोपनीय। उत्तर है संक्रामक रोग हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, रोगों का जन्म सिद्धांत खाली स्थान ने दिया। आंसर है रॉबर्ट कोच ने। दूसरा प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग खाली स्थान के द्वारा होता है। आंसर है विषाणु के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, मैरी मेलान का उपनाम खाली स्थान है। आंसर है टाइफाइड मैरी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला मैरी मेलान उपनाम टाइफाइड मैरी का है। इसका उल्लेख करना यहाँ सटीक है। वह पेशे से रसोइया थीं और वह खाना बनाती थीं और उनके द्वारा वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में वह टाइफाइड फैलाती रहीं। प्रश्न क्रमांक 5, मलेरिया रोग खाली स्थान के द्वारा होता है तथा खाली स्थान इसका वाहक है। आंसर है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर इसकी वाहक है। प्रश्न क्रमांक 6, खाली स्थान एक जन्मजात रोग है। उत्तर है हीमोफीलिया। प्रश्न क्रमांक 7, दाद या रिंग वर्म खाली स्थान कवक के द्वारा फैलाया जाता है। आंसर है दाद या रिंग वर्म माइकोस्पोरम नामक कवक के द्वारा फैलाया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत संक्षिप्त टिप्पणी में 2 या 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबिता, मलेरिया। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबिता। इसके बारे में पहले भी मैंने विस्तार से बताया है। मानव की बृहत आंत में पाए जाने वाले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोअन परजीवी से अमीबिता या अमीबी अतिसार होता है। इसे हम अमीबी पेचिस भी कहते हैं। इस रोग में कब्ज, उदर पीड़ा यानी पेट दर्द, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म वाला मल और रक्त के थक्के वाला मल स्रावित होता है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देती हैं। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न जातियां प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मैलिग्नेंट सबसे गंभीर और घातक भी हो सकता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मानव में इस रोग का संचरण करती है। ये जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, ये 2 होस्ट के अंदर अपना जीवन चक्र
पूरा करता है। इसका एक होस्ट है मानव और दूसरा होस्ट है मच्छर। तो इस तरह से अगर मलेरिया रोग से बचाव करना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें मच्छरों से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही साथ हमें मच्छरों को पनपने या पैदा होने से रोकने के समुचित उपाय करने चाहिए। अगला प्रश्न है, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे? तो हम देखें, जलवाहित रोग हम किसे कहेंगे? वे रोग जो पानी के द्वारा संचारित होते हैं उन्हें हम जलवाहित रोग कहते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबता, एस्केरिस्ता आदि। इन रोगों की रोकथाम के लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। पहला, पानी को उबालकर और फिल्टर करके पीना चाहिए। पीने के पानी को साफ बर्तन में ढककर रखना चाहिए। दूसरा, जलाशयों, कुंडों और मल कुंडों और तालाबों की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के रोगवाहकों और उनके प्रजनन की जगहों का या तो नियंत्रण करना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए आवासीय क्षेत्र में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं रहने देना चाहिए। अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उस स्थान में मिट्टी भर देना चाहिए। कूलर की नियमित सफाई करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। तालाबों में छोटी छोटी गेम्बूसिया मछलियां छोड़ देना चाहिए जिससे वे मच्छरों के अंडे और डिम्बकों को खा लें। एक नंबर के प्रश्न में भी कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि वे कौन सी मछलियां हैं जो कि मच्छरों के अंडों और डिम्बकों को नष्ट करती हैं। तो आंसर है, गेम्बूसिया मछलियां मच्छरों के अंडों और डिम्बकों को नष्ट करती हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग के पार्ट टू में हम प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षीकरण के बारे में जानेंगे।